हेलो दोस्तों, आज मैंने कॉटन की जुराब बनाई है अंगूठे वाली। देखिए, एक पैर में मैंने पहन लिए, दूसरे पैर में मैं पहन के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये मेरी जुराब बनी है। ये जुराब बहुत जल्दी ही बन जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगता और आप बच्चे कपड़े से इसे बना सकते हैं। देखिए, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा था, मैं इसकी जुराब बनाऊंगी। देखिए, ये हमारा कपड़ा सीधा है, इसे हम उल्टा करके रख देंगे, उल्टे यहाँ पे निशान लगाएंगे। पहले मैं पैर पे आपको नाप बताती हूँ। देखिए, हमारा जहाँ अंगूठा आ रहा है, अंगूठे से लेके एड़ी तक हमें नाप लेना है। ये हमारा 9 इंच का आ रहा है। अब हम गोलाई में यहाँ जो चौड़ा हिस्सा है यहाँ से नापेंगे, ये भी हमारा 9 इंच का आ रहा है। इस तरह से आप किसी भी पैर के नाप का बना सकते हैं। अब हम कपड़े पे निशान लगाएंगे। पैर हमारा 9 इंच का आ रहा है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हम यह 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 10 इंच पे हमें यहाँ ऊपर निशान लगाना है, फिर एक लाइन बना देंगे। इसी तरह यहाँ से भी हमें ये 10 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारा आगे से चौड़ा वो भी 9 इंच का था तो उसमें भी हम प्लस 1 इंच करेंगे तो ये हमारा ये भी 10 इंच का आएगा। फिर निशान बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमारा 10x10 का कपड़ा तैयार हो गया है। अब यहाँ बीच में से भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये दो जुराबों के पीस कट गए हैं। इसी तरह हम एक और कपड़ा काटेंगे। ये देखिए, इसी के नाप का मैंने एक और प्लेन कपड़ा काटा है। इसके पीछे मैंने ये बुकरम लगाई है। आप चाहे तो इसमें फॉर्म भी लगा सकते हैं, पतली वाली, मैंने इसमें बुकरम चिपकाई है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये कपड़ा रख के चारों तरफ सिलाई करनी है। इसी तरह हमें दूसरे पीस में भी सिलाई करनी है। इसमें हम ये उड़द पट्टी लगाएंगे। चलिए, अब हम सिलाई करते हैं। इसके चारों तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में बताएं और साथ ही प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल बटन भी दबाएं। इसी से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद अब हम ऊपर से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ से हमने इसे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ अंदर की तरफ हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, नीचे भी यहाँ पे भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे हमें गोलाई में शेप देनी है। देखिए, इस तरह से हमें गोलाई में शेप देनी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ही इस तरह से हमारी गोलाई आ जाएगी। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। देखिए, इस कपड़े के हम ये पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने उड़द पट्टी काटी थी, ये उल्टी साइड से हमें यहाँ पे लगाना है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 2 इंच की ली है। अब हम इस तरह से रख के इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा धागे वागे आ रहे हैं इनकी भी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको देखिए इस तरह से मोड़ना है। मोड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम एक पतली सी प्लास्टिक डालेंगे। देखिए, पहले हम इसका नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। देखिए, ये हमारी 11.5 इंच की आ रही है। इसमें हम 2.5 इंच कम करेंगे। 2.5 इंच हमारी ये 9 इंच की आएगी। हमें 9 इंच की प्लास्टिक लेनी है। देखिए, हम इस तरीके की लास्टिक लेंगे, ये हम 9 इंच पे काट लेंगे। अब हम इसमें पिन डालेंगे। सेफ्टी पिन से हम इसमें प्लास्टिक डालेंगे।
अगर आप प्लास्टिक नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सिल सकते हैं। अब देखिए इलास्टिक डालने के बाद अब हम यहाँ से थोड़ी सी ऐसे सिलाई कर देंगे जिससे हमारे इलास्टिक टिकी रहे यहाँ पर। कटिंग करने के बाद अब हम इसको फिर से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ हमें ये एड़ी आएगी, यहाँ की तरफ हमें थोड़ी शेप देनी है। देखिए इस तरीके की थोड़ी गोलाई में शेप दे दें, यहाँ पे एड़ी आएगी, फिर सीधी यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है। जैसे जैसे निशान आ रहा है इस पे सिलाई लगा दें, यहाँ से पक्का कर दें। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर दें। अब देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ बीच में एक छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। इस कट को हमें ये सिलाई से मिलाते हुए रखना है। देखिए इस तरह हम इसको खोलेंगे और इस कट को हमें सिलाई से मिलाते हुए ऐसे बिल्कुल बीच में ऐसे रखना है। इस तरह से रखने के बाद देखिए बिल्कुल सेट करते हुए हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। अब हम यहाँ पे सेक देंगे। पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ये हमारे अंगूठे का निशान होगा। 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। निशान लगा के अब हम गोलाई में शेप देंगे। जहाँ पे हमारी ये उंगलियां से आएंगी पैरों की और ये हमारे अंगूठे की शेप है। देखिए इस तरह से शेप देनी है। अब जैसे जैसे हमने ये शेप दिए इस पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलाई लगा दे। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर देंगे या हल्का सा कट का निशान लगा देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छे से हमें ये अंगूठे की और यहाँ से उंगलियों की ये निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ये जुराब तैयार हुई है और इसी तरह मैंने दूसरी जुराब भी तैयार कर ली है। ये आप आसानी से घर में किसी भी बच्चे कपड़े से ये इस तरीके की जुराब बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।